हम इन थ्री डिमेंशन में रहते हैं, जिसमें हम इंसान ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, लेफ्ट देख सकते हैं और राइट भी देख सकते हैं। अगर हम इंसान थ्री डिमेंशन में रहते हैं तो हमसे पहले टू डिमेंशन आती है, जिसमें आगे पीछे लेफ्ट और राइट में देखा जा सकता है, लेकिन इस डायमेंशन में आप ऊपर और नीचे नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर टू डायमेंशन में अगर आप एक चींटी की नजर से देखें तो वह चींटी आगे और पीछे देख सकती है, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं देख सकती। अगर आप उसके सामने टेबल पर एक पेपर रखें तो वो पेपर उसे साफ साफ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप उस पेपर को ऊपर की तरफ करोगे तो टू डायमेंशन में उस चींटी के हिसाब से वो पेपर गायब हो गया, क्योंकि टू डायमेंशन में वो सिर्फ आगे और पीछे देख सकती है, लेकिन जैसे ही आपने उस पेपर को ऊपर किया तो वो पेपर थ्री डायमेंशन में चला गया, जिसे वो चींटी नहीं देख सकती, जिसके हिसाब से वो पेपर गायब हो गया। सेम इसी तरह हमारी थ्री डायमेंशन के अलावा भी डायमेंशन 4, 5, 6 और कई डायमेंशन हैं, जिनमें मौजूद मखलूक और चीजों को हम थ्री डायमेंशन में नहीं देख सकते। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो थ्री डायमेंशन में है। जैसे ही कोई चीज थ्री डायमेंशन से फोर डायमेंशन में जाएगी तो हमें लगेगा कि वो गायब हो गई, लेकिन हकीकत में वो दूसरी डायमेंशन में चली गई। साइंसदानों के मुताबिक क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम पार्टिकल्स पैदा होते हैं और गायब हो जाते हैं। साइंस कहती है असल में वो पार्टिकल गायब नहीं होते, बल्कि एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में ट्रेवल करते हैं। ये पार्टिकल हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें वो नजर नहीं आते क्योंकि वो दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके अलावा भी कायनात में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके असर को हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन साइंसदानों को वो आज तक दिखाई नहीं दी। मैं बात कर रहा हूँ डार्क मैटर की। साइंस कहती है कि हो सकता है ये डार्क मैटर भी किसी दूसरी डिमेंशन का हिस्सा हो, जिसकी वजह से हमें वो नजर नहीं आता। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ऐसे बनाया है कि हम सिर्फ और सिर्फ थ्री डिमेंशन में ही देख सकते हैं, इसे आगे हम नहीं देख सकते। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हमारी कायनात में कोई ऐसी मखलूक है जो थ्री डिमेंशन से आगे देख सकती हो। ये सवाल सुनकर आप सोच रहे हो कि इस साइंसदान को आज तक एलियंस का एक भी प्रूफ नहीं मिला और आप फोर डायमेंशन में रहने वाली मखलूक की बात कर रहे हैं जिनको हम इंसान देख ही नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, हमारी कायनात में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद हैं। नंबर 1 पर है हाइड्रोजन, नंबर 2 पर हीलियम, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 कार्बन, नंबर 5 नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स। अब जमीन पर लाइफ के लिए कौन से एलिमेंट्स ज्यादा अहम है? यहाँ पर भी नंबर 1 पर आएगा हाइड्रोजन और नंबर 3 पर मौजूद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल जाए तो पानी बनता है, जो हमारी बॉडी का 65% वजन है। हीलियम जो नंबर 2 पर है वो नहीं, क्योंकि वो एक इनएक्टिव एलिमेंट है और ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। नंबर 4 है कार्बन और हमारा डीएनए कार्बन से बना है। आखिर में है नाइट्रोजन। ये बात मैं आपको बता दूं कि कार्बन अकेला ही ऐसा एलिमेंट है जिससे आपकी सोच से भी ज्यादा एलिमेंट्स बन सकते हैं। साइंस कहती है कि अगर कायनात में कहीं और लाइफ हुई तो वो कार्बन बेस होगी, और ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरी डायमेंशन की हो, जिसकी वजह से हम आज तक उन्हें फाइंड नहीं कर पाए। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी मखलूक है जो अचानक आपकी आंखों के सामने गायब हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ जिन्नात की। अल्लाह ताला ने इनको आग से बनाया है। ये मखलूक पल भर में गायब होकर कहीं दूर आसानी से जा सकती है, यहाँ तक कि ये स्पेस में अरबों किलोमीटर का फासला कुछ ही सेकंड में तय कर लेते हैं। जब ये जिन्नात गायब होते हैं तो ये गायब नहीं होते बल्कि फोर्थ डिमेंशन में चले जाते हैं। सूरह जिन की आयत नंबर 8 की अल्लाह ने जिन्नात का जिक्र किया है। आयत नंबर 8 की ट्रांसलेशन है और ये के हमने आसमान को टटोला यानी छुआ तो इसका मजबूत चौकीदारों और इंकारों से भरा पाया। यानी जब जिन्नात आसमान के करीब गए या उन्होंने आसमान को छुआ तो उन्होंने वहां फरिश्तों को और आग के पत्थरों को पाया। इसके बाद आयत नंबर 9 और ये के पहले हम वहां बहुत से मकामात में खबरें सुनने के लिए बैठा करते थे, आप कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाए। यानी जिन्नात आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनते थे। अब अगर कोई जिन्नात आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करेगा
तो एक अंगारा उसके पीछे लग जाएगा। अब मैं इन दोनों आयात को अच्छी तरह समझाता हूँ। जिन्नात पहले आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनते, फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब ये आसमान के करीब बातें सुनने के लिए आए तो इन पर आके पत्थर मारो। जो कोई भी जिन्नात फरिश्तों की बात सुनना चाहे, एक आग का अंगारा उसके पीछे लग जाता। असल में उस वक्त इंसानों में जो शैतान के पैरोकार थे, वो इन जिन्नात के जरिए फ्यूचर की खबरें लेते और वो जिन्नात आसमान के करीब जाकर छोटी से आधी अधूरी बातें सुनकर उसमें अपनी तरफ से मिलावट करके नजूमिये तक पहुंच जाते, जिसकी वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जब ये आसमान के करीब आए तो इन पर आके पत्थर मारो। मुझे उम्मीद है आपको बात अब समझ आ चुकी होगी। अब जरा गौर से सुनिए। इस वक्त साइंसदान कायनात के जितने साइज का पता लगा पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसका साइज 93 अरब लाइट ईयर है। ये साइज इतना बड़ा है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार यानी 3,00,000 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस साइज को पार करने में 93 अरब साल लग जाएंगे। और ये साइज तो पूरी कायनात के साइज का 1% हिस्सा भी नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि पहला आना बड़ा है और इसमें कितनी कायनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन्नात की रफ्तार कितनी तेज होती होगी कि वो आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनते थे। यानी उनका ताल्लुक फोर्थ डिमेंशन से है, जिसकी वजह से हम इंसान इन जिन्नात को नहीं देख पाते। जिन्नात के अलावा एक और मखलूक है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते। मैं बात कर रहा हूँ फरिश्तों की। अच्छाई और बुराई लिखने वाले फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनको कभी नहीं देख पाते क्योंकि उनका ताल्लुक भी दूसरी डिमेंशन से है। और ये डिमेंशन जिन्नात की डिमेंशन से बहुत आगे की है। अगर देखा जाए तो इंसानी जिस्म में रूह का ताल्लुक भी दूसरी डिमेंशन से है। जब वो हमारे जिस्म से निकलती हैं, तो हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें देख रही होती है और वो बहुत तेजी के साथ आसमान की तरफ जाती है। यानी दूसरी डिमेंशन में बहुत सारे मखलूक हैं, जिनमें कुछ के बारे में तो हमें पता है लेकिन कुछ के बारे में नहीं पता। और ये सारा निजाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की साथ चला रही है। अल्लाह ने कायनात को इतना बड़ा बनाया है जिसके साइज के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे जब तक अल्लाह ना चाहे। और इस कायनात में